हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। और दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने आए हैं वो है टाइम स्टीलर्स। जी हाँ, हमारे समय के चोर, जो हमारे समय को चोरी कर लेते हैं और फिर जब वो चोरी करके ले जाते हैं तब हमें पछतावा होता है कि ऐसे चोरों को हमें पकड़ के बांध के पुलिस के हवाले कर देना चाहिए ताकि वो हमारे समय की चोरी ना कर सके। लेकिन ये जो समय के चोर है, ये कहीं ना कहीं हमारे इर्द गिर्द ही घूम रहे होते हैं और हम उन तक पहुंच नहीं पाते। चलिए मैं कुछ ऐसे चोरों के बारे में आपको बताता हूं जो समय के चोर है, और जब वो समय चोरी करते हैं तब हमारा तो नुकसान होता ही है, प्लस हमारे काम भी पेंडिंग रह जाते हैं। तो हम आज देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे समय के चोर हैं जिन्हें हमें पकड़ना है, बांधना है, जिनको हमें जेल में डाल देना है, और जेल में डालने के लिए हमें कौन सी एक्टिविटी करनी होगी। आज हम उसके ऊपर से पर्दा उठाने वाले हैं। चोर नंबर एक, सोशल मीडिया। जो हम सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हैं वो टाइम हमारे इच्छा से ज्यादा चला जाता है, और वो जो ज्यादा टाइम हमारा स्पेंड होता है उसे मैं समय का चोर कहता हूं। चोर नंबर दो, मल्टीटास्किंग। हम एक ही काम करते वक्त और भी अनेक काम करने की कोशिश करते हैं, और वो जो अनेक काम करने की कोशिश करते हैं जो हो नहीं पाता है, उसकी वजह से एक भी काम सही से नहीं होता और उसी काम को वापस करने के लिए हमें टाइम देना पड़ता है। तो जो पहला हमने काम किया था, मल्टीटास्किंग करने की कोशिश की थी, वो हमारे समय का चोर है। चोर नंबर तीन, गोल सेटिंग। हम हमारे गोल्स को सेट नहीं करते, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं हमें ही नहीं पता कि वो कहां पर जाता है, और फिर थोड़ा दूर आगे चलने के बाद हमें लगता है कि ओहो, ये तो मेरा रास्ता नहीं था, वापस यू टर्न मारना पड़ेगा और फिर से आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे आना पड़ेगा। अगर आप भी इसी तरह से बिना किसी गोल के आगे बढ़ रहे हैं तो वो जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं वो टाइम स्टीलर है, वो समय का चोर है। चोर नंबर चार, प्रोक्रास्टिनेशन। हमें जो काम आज पूरा करना था वो काम हम आज पूरा नहीं करते, हम उसे कल पर टाल देते हैं, जिसे हम प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। और उस काम को जब कल करते हैं तब क्या होता है, तब हमारा वो काम सही से पूरा नहीं होता, क्योंकि हम गड़बड़ में करते हैं और उसके रिजल्ट एक महीने बाद, एक साल बाद या तीन साल बाद जब भी उसके रिजल्ट आएंगे, वो रिजल्ट हमें हमारे टाइम को फिर से इन्वेस्ट करने के लिए कहेंगे। तो हमने जिस काम को प्रोक्रास्टिनेट किया वो हमारे समय का चोर है। चोर नंबर पांच, एक्सेप्टिंग अननेसेसरी टास्क। ऐसे काम हम हमारे पास ले लेते हैं जो एक्चुअली हमारे नहीं थे, हो सकता है वो कहीं बाहर से आए हो, या फिर हो सकता है कि आपके किसी स्टाफ को ही दिया हुआ काम आपने फिर से अपने पास ले लिया हो। अगर हम ऐसे कामों पे हमारा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये अननेसेसरी टास्क हमारे समय के चोर हैं। चोर नंबर छह, इंटरप्शंस। हम हमारी चल रही लाइफ के अंदर अचानक से कोई इंटरप्शन आ जाता है, कोई इंसान आ जाता है, कोई काम आ जाता है, और ये जो अनवांटेड इंटरप्शंस हैं जो हमें बिन बताए आ जाते हैं, ये हमारा टाइम भी खराब करते हैं, प्लस हमारे चल रहे कामों की क्वालिटी भी खराब करते हैं। तो ये हमारा चोर नंबर छह है। और चोर नंबर सात है हमारा, डिसऑर्गेनाइज्ड वर्किंग। हमें पता है हमें क्या क्या काम करने हैं, लेकिन वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे इर्द गिर्द यहाँ वहां कहीं रखे हुए हैं, और जब उन्हें ढूंढने के लिए हमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है तो वो भी हमारा टाइम स्टीलर है, वो भी हमारा समय के चोर है। दोस्तों, मैंने अभी आपके सामने सिंपल रोजाना होने वाले सात ऐसे चोर आपके सामने रखे हैं जो हमारा समय चुराते हैं। दोस्तों, और भी ऐसे समय के चोर हैं जो आपका समय चुराते हैं, लेकिन
मैं उन सभी के पास जाने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको सॉल्यूशन बता दूं कि क्या सॉल्यूशन है जिससे इन सभी चोरों को हम जेल में बंद कर सकते हैं। हमारा एक दरोगा है, हमारा एक पुलिस है जो हमारे साथ है और उससे ये सारे के सारे चोर जेल में बंद हो सकते हैं। और वो दरोगा है हमारा फोकस, हमारा कॉन्सेंट्रेशन। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा फोकस, हमारा कॉन्सेंट्रेशन ये हमारे ब्रीदिंग पर हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जब हम फास्ट ब्रीदिंग करते हैं तो आप देखेंगे आपका मन बहुत चल विचल रहेगा, यहाँ वहाँ दौड़ेगा। और जब आपका फोकस आपके ब्रीदिंग पे आ जाता है, उसको जब आप थोड़ा सा स्लो डाउन कर देते हो, आप देखेंगे आपका फोकस आपके काम पे रहता है। और ये जितने भी चोर मैंने आपको बताए हैं या इनके अलावा भी अगर कोई चोर है, उन सभी को ये फोकस जेल में डाल करके रखेगा और आपके सारे काम आपके सोचे हुए समय पे पूरे होंगे। कोई भी आपके समय की चोरी नहीं कर पाएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। मैं अखिल बाहेती, आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक समय नहीं है।